नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डबल हेलिक्स में। मेरा नाम है विष्णु शर्मा और आज हम बात करेंगे TGF बीटा सिग्नलिंग के बारे में। TGF बीटा सिग्नलिंग जो क्या है, हमारे डेवलपमेंट और सेल डिफरेंशिएशन एंड न्यूरोजेनेसिस में हेल्प करती है। इसके दो पार्ट हैं मेन। नंबर फर्स्ट रिसेप्टर, दूसरा है इसका लाइगेंड और तीसरा एक और पार्ट है इसमें, वो है स्मैट प्रोटीन। ये तीन इसके मेन कंपोनेंट हैं जो कि सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके रिसेप्टर की। इसका जो रिसेप्टर है, इसमें दो रिसेप्टर होते हैं। नंबर फर्स्ट टाइप वन रिसेप्टर, दूसरा टाइप टू रिसेप्टर। टाइप फर्स्ट जो रिसेप्टर होता है, ये फॉस्फोराइलेट करता है स्मैट प्रोटीन को, ठीक है। और टाइप सेकंड जो रिसेप्टर होता है, इसके पास होती है सेरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी। ओके फ्रेंड्स, तो टाइप सेकंड जो रिसेप्टर है, अब ये जो रिसेप्टर होते हैं ये मोनोमेरिक होते हैं, दोनों रिसेप्टर मोनोमेरिक होंगे, अलग अलग। जब भी इसे कोई लाइगेंड बाइंड करता है, लाइगेंड बाइंड करेगा सबसे पहले टाइप सेकंड रिसेप्टर के पास, देन टाइप सेकंड रिसेप्टर टाइप वन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो जब लाइगेंड बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर जो होता है ये हो जाता है डाइमेरिक। अब इस टाइप फर्स्ट रिसेप्टर के पास एक खास बॉक्स होता है, इसे हम बोलते हैं जीएस बॉक्स बोलते हैं। इस जीएस बॉक्स के पास मोर देन 30 जीएस रिपीट्स होते हैं, यानी ग्लाइसिन और सेरीन रिपीट्स होते हैं, जिन ग्लाइसिन और सेरीन रिपीट्स के ऊपर ये टाइप सेकंड जो सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है वो एक्टिव करता है और इसके सभी सेरीन को फॉस्फोराइलेट कर देगा, जिससे ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम्स टू दी ligands। इसके जो ligand है नंबर, वो है TGF बीटा सुपर फैमिली के members, TGF बीटा सुपर फैमिली। इसमें जो आते हैं नंबर वन TGF बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, नंबर सेकेंड BMP बोन मॉर्फोमेट्रिक प्रोटीन, बोन मॉर्फोमेट्रिक प्रोटीन, तीसरा है जो उसका मेंबर है वो है एक्टिविन, चौथा जो उसका मेंबर है एंटी मलेरियन हार्मोन। ये एंटी मलेरियन हार्मोन है, ये मेल्स में सीक्रेट होता है जो कि मेल्स के अंदर मलेरियन ड्रग्स के डेवलपमेंट को रोकता है, इसलिए ये मेल्स में एक्सप्रेस करता है, फीमेल्स में एक्सप्रेस नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसके क्या है, लाइगेंड्स हैं, जिसमें TGF बीटा BMP एक्टिविन एंड एंटी मलेरियन हार्मोन। अब हम बात करते हैं स्मैट प्रोटीन की। स्मैट प्रोटीन की तीन कैटेगरीज होती है। स्मैट जो वर्ड है ये आया है स्मा प्रोटीन ऑफ सी एलिगेंस और मैट प्रोटीन ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्मा और मैट इन दोनों से मिलकर बनाए स्मैट। ओके, स्मा का मतलब है स्मॉल बॉडी साइज। ये जो फिनोटाइप है स्मॉल, इसमें म्यूटेशन की वजह से आता है, जिसकी वजह से सी एलिगेंस का जो बॉडी साइज है वो स्मॉल रह जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, स्मॉल बॉडी साइज। और मैट का मदर्स अगेंस्ट डेका पेंटाप्लेजिक, डेका
पेंटाप्लेजिक। ओके फ्रेंड्स, मैट का मतलब है मदर्स अगेंस्ट डेका पेंटाप्लेजिक। तो ये जो मैट प्रोटीन है इनको तीन कैटेगरी से बांटा गया है, स्मैट प्रोटीन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर वन आर स्मैट, आर स्मैट का रिसेप्टर स्मैट प्रोटीन। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है इसमें को स्मैट प्रोटीन, और थर्ड है इसमें इनहिबिटरी स्मैट, इनहिबिटरी स्मैट और आई स्मैट। इनहिबिटरी स्मैट और आई स्मैट। तो जो आर स्मैट है या रिसेप्टर स्मैट है, ये होती है स्मैट वन, स्मैट वन, स्मैट टू, स्मैट टू वन और टू, स्मैट थ्री, स्मैट फाइव, स्मैड एट या नाइन। ओके फ्रेंड्स, टोटल नाइन स्मैट प्रोटीन अब तक देखी गई है ह्यूमंस के अंदर और मैमल्स के अंदर। इसमें को स्मैट जो होती है वो होती है हमेशा ऑलवेज स्मैड फोर। अभी लास्ट टाइम इस को स्मैट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था CSIR के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें को स्मैट का पूछा था कि को स्मैट कौन सी होती है, वो होती है हमारी स्मैट फोर। और इनहिबिटरी स्मैट या आई स्मैट जो होती है वो होती है हमारी स्मैड सिक्स एंड स्मैड सेवन। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, हाउ डज दिस मैकेनिज्म है। मान लीजिए कि ये कोई सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये मोनोमेरिक रिसेप्टर है, कौन सा टाइप सेकेंड। यहां पर इसका सेरिन काइनेज, सेरिन थ्रेन काइनेज डोमेन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी कोई लाइगेंड आएगा, मान लीजिए यहां पर ये TGF बीटा है, ठीक है फ्रेंड्स, TGF बीटा। तो TGF बीटा जो है ये जब इससे बाइंड करेगा सेरिन थ्रेन काइनेज वाले डोमेन से या टाइप सेकेंड रिसेप्टर से, तो ये इसका हो जाएगा डाइमराइजेशन। क्या हो जाएगा? इसका डाइमराइजेशन हो जाएगा। जब इसका डाइमराइजेशन होगा और ये इससे बाइंड करेगा, तो ये रिक्रूट करेगा टाइप फर्स्ट रिसेप्टर को कि ये उसके पास में आए, ये टाइप सेकंड है, ये हमारा TGF बीटा बाइंड कर गया। अब ये रिक्रूट करेगा टाइप सेकंड रिसेप्टर को, ये भी हमारा कैसा है, स्टार्टिंग में ये भी मोनोमेरिक होता है, पर जैसे ही इसकी इसके ये रिक्रूट करता है तो ये डायमेरिक हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे ही इसके पास में आया तो इसका जो सेरीन थ्रियोनिन काइनेज डोमेन है, यहां पर इसके GC बॉक्स होता है, GS बॉक्स होता है, यहां पर इसके क्या होता है, GS बॉक्स होता है। GS बॉक्स पे क्या करेगा ये, इसके फॉस्फोराइलेशन दे देगा लगातार बहुत सारे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही ये इसका GS बॉक्स या टाइप वन रिसेप्टर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ये टाइप वन रिसेप्टर है, टाइप वन रिसेप्टर, जैसे ये फॉस्फोराइलेशन होगा साइटोप्लाज्म में बहुत सारी स्मैट प्रोटीन्स रहती हैं, वो इस पर इसके इससे अट्रैक्ट होंगी, ठीक है, स्मैट टू या थ्री। अब चूंकि TGF बीटा जब बाइंड करता है तो स्मैट टू या थ्री आती है, ओके फ्रेंड्स। और
अगर इसकी जगह पर बीएमपी बाइंड करता या बीएमपी बाइंड करता तो यहाँ पर स्मैट आती है हमारी स्मैट 1 और 5। ओके फ्रेंड्स, अगर टीजीएफ बीटा बाइंड कर रहा है तो स्मैट 2 और 3 लिक्विड होंगी, और अगर बीएमपी बाइंड कर रहा है तो स्मैट 1 और 5 लिक्विड होंगी। ओके, तो एक हम यहाँ पर बना देते हैं ऐसे ही बीएमपी। अगर बीएमपी बाइंड करेगा तो हमारी कौन सी स्मैड लिक्विड होंगी, स्मैड 1 या 5। ओके फ्रेंड्स, अब क्या होता है इसमें कि जब ये स्मैड प्रोटीन इससे इंटरेक्ट करती है तो ये हो जाती है फॉस्फोराइलेटेड। क्या हो जाएगी, फॉस्फोराइलेटेड स्मैड 2 या 3 हो गई क्या, फॉस्फोराइलेटेड स्मैड 5 या 1, स्मैड 5, स्मैड 1 और 5, ये हो गई हमारी फॉस्फोराइलेटेड। अब होता क्या है, कि जब ये फॉस्फोराइलेटेड हो जाती है तो साइटोप्लाज्म में एक को स्मैडर होती है जिसे बोलते हैं स्मैड 4। ये स्मैट 4 फॉस्फोराइडेड स्मैट 2 या 3 से भी बाइंड कर सकती है, और फॉस्फोराइडेड स्मैट 1 और 5 से भी बाइंड कर सकती है, इन दोनों से बाइंड कर सकती है, और इसको पकड़ करके यहाँ पे आके रिक्रूट हो जाएगी स्मैट 4, यहाँ भी जाकर आ सकती है स्मैट 4, और इस कॉम्प्लेक्स को आर स्मैट और को स्मैट इसे हम बोलते हैं आर स्मैट, और ये है कोस्मैड। ये कॉम्प्लेक्स जो होगा ये जाएगा न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा और एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है, और रिस्पेक्टिव जीन के प्रमोटर पर जाकर बाइंड कर देगा, बाइंड कर जाएगा और जीन को ऑन कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया स्मैड 4 और ये स्मैड 2 या 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था इसका मैकेनिज्म। अब बात करते हैं इसके रेगुलेशन की तरफ, हाउ डज दिस सिग्नल टर्मिनेटेड और हाउ द रेगुलेशन ऑफ दिस मैकेनिज्म। ओके फ्रेंड्स, तो नॉर्मली हमने बात बताया था कि जो स्मैड प्रोटीन है, जो को स्मैड और आर स्मैड है, वो हमारी मिलती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिससे जब भी फॉस्फोराइलेशन हो तो ये तुरंत रिक्रूट करके यहाँ पर आता है। परंतु इनहिबिटरी जो स्मैड होती है, स्मैड 7 और स्मैड 6, वो मिलती है हमारी न्यूक्लियस के अंदर। कहा मिलती है, न्यूक्लियस के अंदर स्मैड 6 और स्मैड 7। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हें स्मैड 6 जो क्या है वो रोकती है इसको, को स्मैड को। ठीक है, बीएमपी के थ्रू अगर सिग्नलिंग हो रही है तो ये स्मैट 6 काम करेगी, और अगर टीजीएफ के थ्रू सिग्नलिंग हो रही है तो ये स्मैट 7 काम करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो स्मैट 7 क्या करती है, इस के फॉस्फोराइलेशन को रोकती है टाइप फर्स्ट रिसेप्टर के फॉस्फोराइलेशन को रोकेगी। तो अगर ये फॉस्फोराइलेट हो गया तो ये इससे जाके अटैच हो जाएगी, जिससे स्मैट 2 और 3 को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि ये इससे जाकर के इंटरेक्ट हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिग्नलिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेगुलेट हो जाएगी। अब इन केस ऑफ स्मैट 6 क्या होता है कि जब भी बीएमपी आता है ये तो फॉस्फोराइलेट हो जाता है, मगर ये क्या करती है, इस को स्मैट पे जाके बाइंड कर जाएगी, और इस को स्मैट यानी स्मैट 4 को स्मैट 1 और 5 से बाइंड नहीं करने देगी, जिसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पाएगा और सिग्नलिंग आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।